और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का। ये देखिए जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेगम को विराजमान और उसी को याद करते हुए थोड़ा सा धैर्य अपने मन में। अभी जो आपने टीवी स्क्रीन पर कुछ शॉर्ट्स देखे, ये शॉर्ट्स बीजेपी उत्तर प्रदेश के जरिए तमाम सोशल अकाउंट्स पर, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किए गए हैं। और ये दावा किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के जरिए गैर मुस्लिमों को, जो वोट बैंक उनसे खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, न सिर्फ नज़र आ रहा है बल्कि खिसक गया है। और बीजेपी को ये पूरा अंदाज़ा हो गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल तीनों कृषि कानून को वापस लेना है। तो ये वीडियो शेयर करते हुए बाकायदा ऑडियो के साथ शेयर किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि ये मुस्लिम महिलाएं, उनका नाम लिया जा रहा है, बाकायदा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, और नाम लेकर के तमाम महिलाओं को पुकारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तीन तलाक के बाद जिस तरह से अक्सर इस तरह के दृश्य आप बीजेपी के बहुत सारे ट्विटर अकाउंट पर, इस तरह के दृश्य मौके मौके पर आप देखते रहते हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि मुस्लिम महिलाएं भारी संख्या में तलाक मिलाने के बाद बीजेपी के समर्थन में हैं, लेकिन उसके बाद अक्सर ये देखने में आता है कि इस तरह के वीडियो या तो फर्जी पाए जाते हैं, बुर्के के अंदर या तो कोई मर्द मौजूद होता है या गैर मुस्लिम औरतों को बुर्के पहनाए जाते हैं, जब उनके हाथ में धागा दिखाई देता है, उनके हाथ में टैटू दिखाई देता है जिस पर ओम या कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं जो गैर मुस्लिम ही अपने हाथों पर गुदवाते हैं। जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी साजिश में नाकाम होता हुआ नज़र आता है। इस वीडियो में भी आप एक बार और अपनी स्क्रीन पर दूसरे विंडो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से आप गौर से देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इस वीडियो को भी इस्तेमाल करके बीजेपी जो गैर मुस्लिमों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारी संख्या में मुसलमान हमें वोट देने जा रहे हैं, हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हमारा समर्थन करने जा रहे हैं, और जब किसी परिवार की महिला किसी पार्टी में शामिल होती है तो पूरा परिवार उस पार्टी का समर्थक होता है, पूरा परिवार उस पार्टी को वोट देता है। इस तरह का मैसेज इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश की, लेकिन गौर से देखिए, आपको अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन चाल ढाल आप देखिए, चाल ढाल से आपको अंदाज़ा होगा न सिर्फ ये गैर मुस्लिम महिलाएं बल्कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो महिला हैं ही नहीं, मर्द हैं, मर्दों को बुर्का पहना करके उनको स्टेज पर लाया गया है और बाकायदा वीडियो बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में वोट बैंक को साधने के लिए किया जा सके। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए। और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का। ये देखिए जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेगम को विराजमान हुई है हलीमा। ऊंचा होता है इसी का भाई, हिंदुस्तान का ऊंचा है और आज मोदी जी, योगी जी ने जो कुछ किया है स्त्रियों के लिए वो आप स्वयं याद करें और उसी को याद करते हुए थोड़ा सा धैर्य अपने मन में बनाए रखें। ये देखिए प्रमुख समाज से भी बड़े ही दुधारू तेवर के कार्यकर्ता जो गरीबों के लिए हमेशा जाकर ग्रहण कर रहे हैं, आप नरेंद्र प्रताप सिंह जी। तो देखा आपने, अगर आप इस वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे और स्लो मोशन में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से जो मैंने बात अभी कही वो आपको बिल्कुल हकीकत लगेगी और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा छलावा मुसलमानों के नाम पर पिछले कई सालों से जब से तलाक बिल आया है बार बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं मोदी के साथ हैं। खासतौर से बनारस की कुछ महिलाओं के फोटो, अभी जिस तरह से वाराणसी में मोदी गए तो उससे पहले मंदिरों में आरती करती हुई कुछ महिलाओं का फोटो आया, कुछ वीडियो आया कि मुस्लिम महिलाएं मंदिरों में पहुंची हुई हैं, मोदी की पूजा कर रही हैं, मोदी के स्वागत में मुस्लिम महिलाएं पहुंची हुई हैं, हाथ में मालाएं लेकर के खड़ी हैं मोदी के स्वागत में,
तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर उसको एक्सपोज किया गया कि किस तरह से गैर मुस्लिम महिलाएं थीं, उनके बारे में ये दिखाया गया कि किस तरह से उनके सिंदूर लगा हुआ है, या जो निशानियां होती हैं ख़ासतौर से गैर मुस्लिमों की, महिलाओं की, वो निशानियां उनके हाथों पर, उनके चाल ढाल में नज़र आईं, जिसके बाद बीजेपी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई इस तरह की वीडियो से नज़र आती है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा साइन है कि किस तरह से उस राज्य का ट्विटर अकाउंट, राज्य की पार्टी का सबसे बड़ी सत्ताधारी जो पार्टी है बीजेपी की, उसके ट्विटर अकाउंट पर, उसके फेसबुक अकाउंट पर इस तरह की वीडियो शेयर करना, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक इस तरह की वीडियो को शेयर कर दिया गया है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। कोई भी ऐसा मौका बीजेपी नहीं गंवाना चाहती जिसके ज़रिए गैर मुस्लिमों को साधा जा सके, और जाहिर सी बात है इस वीडियो के ज़रिए गैर मुस्लिमों को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं तक खड़ी हुई हैं, तो आप किस तरह से हमें छोड़कर जा सकते हो, जबकि केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पिछले 5 साल से लगातार मुसलमानों को टाइट करने में लगी हुई है, लगातार मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के ज़रिए जिस तरह से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह से पुलिस कस्टडीज में मुसलमानों को मारा जा रहा है और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है उसके बावजूद मुसलमानों का किसी पार्टी में शामिल होना, ऐसी पार्टी में शामिल होना जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जो इस तरह के बयानबाजी में पूरी तरह से आ गया है, और अब जिस तरह से बार बार और मस्जिद को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, किस तरह से एनकाउंटर्स में मुसलमानों को मारा गया है, किस तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को कुर्क किया जा रहा है इस नाम पर कि ये अवैध तरीके से कमाई गई थी, किस तरह से उन पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें कवायद करने के बावजूद सरकारें जब नाकाम हो रही हैं, कोविड में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही है, जिस तरह से रोज़गार के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, गरीबों को लेकर के जो नीतियां हैं उसके ऊपर जिस तरह से खराब सवाल खड़े हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा घिरती रही है, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जब उसको ये लग रहा है, और ख़ासतौर से किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का माना जाता था, वहाँ पर नेताओं की एंट्री बैन कर दी गई है, ऐसे में किस तरह से नेता इलेक्शन लड़ पाएंगे, कानून को वापस लिया गया है, लेकिन राकेश टिकैत और तमाम नेता इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि MSP की गारंटी दी जाए, जो मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और उसके अलावा खाद को लेकर जो मांगे, यानी अब कई ऐसी मांगे हैं कि जब तक इनको पूरा नहीं किया जाता हम आंदोलन ख़त्म कर देने वाले नहीं हैं। बीजेपी नेताओं की समझ में आ गया है कि इलेक्शन को साधने के लिए किया जा रहा है, बीजेपी इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा से इन कानूनों को लाया जा सकता है, इसलिए किसान नेता अब इनके छलावे में नहीं आने वाले। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ परेशान हैं कि अगर मेरी सीटें कम रह गईं और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से पहुँचने से बच गया, नहीं पहुँच पाया, तो मुझे शायद लोकसभा में भी पहुंचने का मौका ना मिले, क्योंकि रंगा बिल्ला पूरी तरह से निशाना साधे हुए हैं कि योगी को ख़त्म करना है। जिस तरह से एरोगेंस योगी का नज़र आया पिछले दिनों, जो घटनाक्रम 4-5 महीने पहले देखने में आया, जिस तरह से योगी को अचानक दिल्ली आना पड़ा था जब पूरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं योगी ने मोदी और अमित शाह को मात दी है, और अगर सीटें कम रह जाती हैं, सत्ता तक पहुँचने में किसी और का सहारा लेना पड़ता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, तो इसलिए इस तरह की वीडियो बना करके कहीं ना कहीं गैर मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, हमारे वेब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।